साथ शिवांगी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी रायपुर से मिल रही है, सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर बोले, सीएम की जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है और वो कौन सा डोमेन है जहां पैसे की जांच नहीं हो सकती है। सीएम मैडम और सीएम सर कौन है? सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पहुंचे हैं, रायपुर हेलीपैड से जशपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है सीएम मैडम और सीएम सर कौन है। ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी, मतलब ठाकुर रमन सिंह जी ईडी प्रवक्ता बने हुए हैं, लगता है ईडी के आला अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपने सुना, राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल बोले कि जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है। वो कौन सा डोमेन है जहां पैसे की जांच नहीं हो सकती है। तो बड़ी खबर लगातार राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है और ईडी वाले बयान पर कहा है कि जांच का मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है। सीएम भूपेश बघेल का ईडी वाले रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर यह बयान सामने आया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, जहां पर उनका कहना है कि जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है और सीएम सर कौन है। तो बड़ी खबर लगातार राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है और ईडी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है, वो कौन सा डोमेन है जहां पैसे की जांच नहीं हो सकती। सीएम मैडम और सीएम सर कौन है? सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया है। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। दिलीप, रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जांच का मुख्य मुद्दा यही है कि सीएम मैडम कौन है, क्या कुछ इस पूरे बयान को लेकर जानकारी दिलीप? जी शिवांगी, बता दें कि ईडी मामले को लेकर लगातार बयानबाजी दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ पुराने मामले, जिस तरह से नाथ भोपाल सिंधिया के प्रदेश में तत्कालीन बीजेपी की सरकार है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। भूपेश बघेल लगातार ईडी के छापे को लेकर एक सवाल खड़ा करते हैं कि ईडी जो पिछला नाम घोटाला हुआ था रमन सरकार ने, इसकी जांच क्यों नहीं करती? चिट फंड कंपनियों की जो घोटाले हुए थे, इसकी जांच क्यों नहीं करती? इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। इसी को लेकर कल ही डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया था ईडी मामले को लेकर कि उन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है करके सवाल खड़ा करते हैं, इसको लेकर ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि सीएम एक चंद्रमणि चंद्राकर करके हैं, उनके नाम सामने आया था जांच में। और उनको सीधे तौर पर सारे जांच में नाम आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानबूझकर मुझे निशाना साधते हैं, इस तरह का बात डॉक्टर रमन सिंह ने कही थी। उसी को लेकर ये जो बयान आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर फिर से रमन सिंह को टारगेट करते हुए कहा है। ये रमन सिंह ईडी वाले बयान पर जिस तरह से बात करते हैं, तो जांच का मुद्दा यही है कि फिर से सीएम मैडम कौन है और ये कौन सा डोमेन है या जहां पे पैसे लेन देन होता था, उन तमाम मुद्दे की जांच होना चाहिए। इस तरह की बातें फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर ईडी आज तक जांच नहीं की, सीबीआई आज तक जांच नहीं की। तमाम आरोप लगने के बाद केवल विपक्ष को टारगेट करती रही। जी
जी जी दिलीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। ईडी वाले बयान, रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा।